देख रहे हैं कि मतलब कैसे लगाते हैं कैसे हटाते हैं। देख शायद इसीलिए ट्रेनें आजकल लेट हो रही है, हो सकता है सभी जगह पटरी एक्सचेंज हो रही होगी ना। तो दो चार दिन से ना काफ़ी बारिश हो रही है, तो अभी मैं छत में जा करके आ गई हूँ। छत में जाके मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया, तो अब मैं जाऊँगी सीधे किचन में और आज मैं देखिए किचन में क्या बनाने वाली हूँ। आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है टोस्ट, टोस्ट बना रही हूँ, काफ़ी टाइम से बनाया भी नहीं है। और साथ में ये चाय भी बन रही है अदरक और काली मिर्ची वाली, तो टोस्ट बन के है तैयार। नमस्कार दोस्तों, कैसा आप सब लोग, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों मॉर्निंग का टाइम है और घर का जो रूटीन का काम होता है वो हमारा हो चुका है और अभी मेरा ब्रेकफास्ट भी तैयार हो चुका है। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है आज टोस्ट बनाए हैं और चाय मेरी बन चुकी है काली मिर्ची वाली, क्योंकि काली मिर्ची चाय ना गले के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये बच्चों को आइसक्रीम खा के ये खट्टी बट्टी चीज़ें खा करके सर्दी खांसी जुकाम लगा हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना चटपटी काली मिर्ची की चाय बना ली जाए। और मेरा भी ना गला में खराश हो रही है ये आइसक्रीम वगैरह खाने से, रात को हम लोग आम भी खा लेते हैं तो उससे भी थोड़ा गला ख़राब हो जाता है। तो चाय मेरी बन चुकी है, छान ली है और अब हम करते हैं ब्रेकफास्ट। तब तक आप बने रहें हमारे वीडियो में। और अब मैं इसे ले जाती हूँ रूम में, बच्चे कर रहे हैं ब्रेकफास्ट का इंतज़ार, तो चलिए ले चलते हैं ब्रेकफास्ट। ये तो आएंगे नहीं लेने, तो मुझे ही ले जाना पड़ता है। आज ना हम ड्राइंग रूम में खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे ड्राइंग रूम में। लो भाई चलो उठो, कहाँ पे रखो? ज़मीन में। ज़मीन में ये ले, उठो इसको हटाओ, ज़मीन है टेबल में रखेंगे यार, जमीन में क्या रखें। खांसने में है ये लड़की तो, और आइसक्रीम खाना भी नहीं छोड़ रही है, इसलिए ना मैं आजकल रोज काली मिर्ची की चाय बना दे रही हूँ। चलो भाई ब्रेकफास्ट कर लो। आज तो ना खूब बारिश आई हुई है सुबह से, लेकिन अभी थोड़ा बंद है, लेकिन अभी और बारिश आने वाली है क्योंकि काफ़ी बादल लगे हुए हैं और मौसम पूरा बारिश का हो रहा है। तो चलिए अभी हम पी लेते हैं गर्मा गर्म चाय टोस्ट के साथ। आज काफी टाइम बाद मेरे टोस्ट बनाए हैं तो काफी अच्छे लग रहे हैं खाने में। कैसा लग रहा मिन्नी? कैसा लग रहा मिन्नी? जरा खोए रहता ना अपना अपने आप में, उसका रिप्लाई भी नहीं देते। मैं कुछ पूछ रही हूँ। अरे कुछ पूछ रही हूँ। हेलो हेलो मैडम, कैसे हो रहे हैं टोस्ट? बढ़िया हो रहे हैं। आज ना काफ़ी टाइम बाद टोस्ट खाए तो बड़े टेस्टी लगे मुझे, नहीं तो स्वाद ही नहीं आ रहा था मुझे, तो आज मुझे बहुत अच्छे लगे। तो दोस्तों और अब करना है किचन साफ, ज़्यादा गंदा तो नहीं है लेकिन थोड़े बर्तन पड़े हैं, ये बर्तन पड़े हैं और ये जो बर्तन धुले हुए हैं इनको रखने हैं। सबसे बेकार काम है बर्तन, धुले हुए बर्तनों को संभालना, संभालने में ना थोड़ा आलस आ जाता है। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं बर्तन साफ़ करना और उसके बाद फिर खाना वाना भी बनाना है, खाना बनाने का भी सोचना है। सोचना पड़ता है कि दिन में क्या बनाएं, सुबह क्या बनाएं, रात को क्या बनाएं, तो बड़ा सरदर्द है खाना बनाने का भी। पता होना कि क्या बनाना है तब तो कोई परेशानी नहीं है ना, तो सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं क्या बनाएं। दाल के लेते बिल्कुल नागे देते हैं और रोज भटके चुड़कानी बड़ी बड़ी, ये भी कोई खाना है क्या? खाने स्वाद में तो अच्छा लगता है ना, लेकिन शरीर को लगता नहीं है ये, लेकिन क्या करें बच्चे मानते नहीं हैं। दोस्तों मॉर्निंग का काम हो गया है खत्म, ब्रेकफास्ट का मतलब। तो अब सेकंड पारी शुरू होती है खाना बनाने की, लेकिन वो थोड़ी देर में क्योंकि अभी बहुत टाइम है, तो तब तक आप बने रहे हमारे वीडियो में। सुबह जब मैंने झाड़ू पोछा लगाया ना, तो बाहर ये बालकनी का झाड़ू पोछा छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि बारिश हो रही थी उस समय, तो अभी बारिश बंद हो चुकी है तो और जगह का झाड़ू पोछा हो चुका है, तो अभी मैं थोड़ा यहाँ का पोछा मार देती हूँ। अभी ना घर का सारा काम हो चुका है ये, तो अब मैं ना अपने भी कुछ काम कर लेती हूँ, अपने पर्सनल भी बहुत सारे काम होते हैं, तो अभी आज तो सारा टाइम से काम निपट गया है। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ अपना भी कुछ ज़रूरी काम है उनको कर लेती हूँ। पहले ना मैं ये
कूलर की हवा खाऊंगी पहले। जरा भी कुछ भी काम करो ना तो इतनी गर्मी लग जा रही है ना, पसीने पसीने हो जा रहे हैं। तो अभी 10 मिनट थोड़ा सा कूलर के आगे, और फिर जब आधा घंटा कूलर के आगे बैठ जाओ ना फिर ठंडा लगने लग जा रहा है। आज इन्होंने ना फिर ये बनाया है मैंगो शेक। ये लवी को ना बहुत पसंद है मैंगो शेक, मुझे तो कोई खास पसंद नहीं है। देख लेते हैं सर, बहुत गाढ़ा हो रहा है, दूध कम डाला है लेकिन अच्छा हो रहा है। अब बारिश आएगी दिन में या शाम को। कटहल वाला भी आया है ये सामने। ये कटहल ना छिलने का बड़ा बबाला होता है, कटता ही नहीं है, इसलिए मैं कटहल ना खरीदती नहीं हूँ। वैसे भी लवी खाती भी नहीं है। ये देखिए बादल लगे हैं, सूरज भी अभी छिपा हुआ है इन बादलों के बीच में। अभी इन्होंने ना मैंगो शेक पी लिया है ना, अभी खाना खाने के लिए मना कर देंगे। देखना भी पूछती हूँ। हाँ लवी, खाना बनाना है? खाना नहीं, नहीं पता था मुझे ये बेटे में मैंगो शेक बना दिया है और अब खाना नहीं खाएंगे। कोई नहीं, दिन में कुछ बना लेंगे। और अब मैं ये आम, हाँ मैं थोड़े बर्तन पड़े हैं इनको साफ कर लेती हूँ मैंगो शेक के, और इसको डाल देती हूँ कूड़े में। और खाना तो अब बनाना है नहीं, अब शाम को मिलते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे किचन में। 4:30 बज चुके हैं तो अभी मैं ना बनाने जा रही हूँ पकौड़े। मैंने आलू छिल के रखे हैं और प्याज भी छिल के रखा है। आलू प्याज की मैं पकौड़े बनाने वाली हूँ, ये देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं, बेसन निकालते हैं। सबसे पहले मैंने ना ये कढ़ाई साफ़ करके रख दिया, क्योंकि इसमें ना जंग लग जाता है। कितने भी पूछ पाछ के रखो फिर भी इसमें जंग लग ही जाता है। तो मैंने कहा पहले इसको साफ करके रख लेती हूँ। और ये बेसन है, बेसन भूल लेती हूँ और उसके बाद काट लूँगी आलू प्याज। पकौड़ी बनाने की तैयारी हो चुकी है, बेसन तैयार है, आलू प्याज तैयार है और तेल भी गर्म हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं पकौड़ी बनाना। चाय पकौड़ी बनके है तैयार। ये इतनी ढेर सारी पकौड़ी बनाई है ढेर सारे लोगों के लिए। चलो लोग कम हो गए, ये ले जाए इसको। लोग कम हो गए, हाँ यही बचा लेना। बोलो हाँ लो भाई चाय। हाँ सब खा के चले गए हैं, और मैं उनके जाने के बाद मैंने सारा किचन वगैरह साफ किया है। और ये सब्जी भी मैंने बना ली है करेले की, ये करेले की सब्जी भी बना ली, आटा गूंथ के भी रख लिया है। तो अब मैं भी जा रही हूँ अपना ये थैला लेकर के, मुझे भी सब्जी वगैरह लानी है थोड़ा, और थोड़ा कुछ और भी काम है ज़रा सूट वगैरह देने सिलाने के लिए। तो चलिए अब आपको भी ले चलते हैं बाहर, थोड़ा घूम भी आएंगे। तो आज ना यहाँ पे पट्टी चेंज हो रही है तो हम जा रहे हैं पट्टी देखने के, और सब्जी ना उसके बाद लेने जाएंगे, क्योंकि अभी ना रेलवे क्रॉसिंग बंद हो रखी है। दिखाते हैं फिर, चल रहा है पट्टी का काम, चेंज कर रहे हैं पटरी को। हाँ पुरानी पट्टी हटा रहे होंगे ना, हाँ ये नई पट्टी लेके आए हैं यहाँ पे। ये अभी तो सिर पर रखी है, अभी रखी रखी है। फिर चेंज कैसे करेंगे ये लोग? अच्छा अच्छा पूरे कहाँ तक बिछाएंगे? जितनी है वो जितने आए हैं। अच्छा और ये सब यहाँ पे पटरी देखने के लिए आए हैं ये पैटर्न हमारे पड़ोसी। तो अभी अभी ये लगा रहे हैं, मतलब उतारी है इन्होंने, अभी पुरानी पट्टी नहीं लगाई नहीं है अभी। तो हम देख के आ गए हैं अभी अभी लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं कि मतलब कैसे लगाते हैं कैसे हटाते हैं, देखनी चाहिए ना वो भी। चल हेमा आ रही है, आया थोड़ा लेके आते हैं। खड़ा तो मैं घर ही लेके आई, और वो कर रहे हैं आगे मेरा इंतजार। ये लोग एक बार घूम के भी आ गए, तीन चार दिन से रोज ये और आधा चले जा रहे हैं घूमने के लिए। और कल तुम जल्दी लगे थे, कल 5 बजे। मैं घूमने ही कहाँ जा रही हूँ, तुम आई नहीं रहे, मैं कहते रही हूँ। हाँ नहीं आ पा रहे हैं, लड़की का फोन आ रहा है।
अक्की अक्की ले जा ऐसे भी चलो कपिल आए तुम किनको जाने दे रहे चलो चलो भी चलो चलो तुम चलो तो ये गेट कब खुलेगा जब पूरी पटरी लग जाएगी बस कह ही रहे थे हाँ फिर अलाउंस कर देते थोड़ा सा पटरी बदलने की वजह से इतना जाम लग गया है। आज हम निकले हैं बाहर घूमने को और बाहर निकले तो आज रेलवे क्रॉसिंग में जाम लगा हुआ है क्योंकि पटरियाँ वहाँ पे चेंज हो रही हैं तो सब्जी वगैरह भी खरीदनी थी थैला वगैरह घर ही रह गया है तो कोई बात नहीं अभी हल्की फुल्की सब्जी ले लेंगे पटरी देखने के चक्कर में और ऐसे ही भाग के आ गए हैं और शायद इसीलिए ट्रेनें आजकल लेट हो रही है हो सकता है सभी जगह पटरी एक्सचेंज हो रही होगी ना तो एक दो दो तीन तीन घंटे लेट हो रही है संपर्क क्रांति भी शायद इसी वजह से देर हो रही होगी क्योंकि जब भी इसके पापा आजकल आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लेट 12:30 घर आ रहे हैं ट्रेन इतनी लेट आ रही है शायद इसी वजह से हो सकता लेट हो रही है ना तो पता नहीं चल पा रहा है कि ट्रेनें इतनी लेट क्यों हो रही हैं। देहरादून से आए वो भी लेट, नोएडा से आए वो भी लेट, संपर्क क्रांति जो आती है वो भी लेट, तो सारी ट्रेनें लेट हो रही है शायद इसी वजह से हो रही होगी। तो कोई नहीं, काम भी ज़रूरी है लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि लेट क्यों हो रही है, वो नहीं पता होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ तो पता ही चल रहा है कि ट्रेन लेट आखिर हो क्यों रही है। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने और हम आपसे ना बात बात करेंगे क्योंकि अभी हम थोड़ा सा खेल लेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं घूम के और अब हम जा रहे हैं घर को और जिस सब्जी वाले से हमने सब्जी लेनी है वो जा चुका है। अब कहाँ जाएंगे सब्जी लेने? खड़ा है तो चलो फिलहाल हम ले लेते हैं सब्जी। भैया मुझे ये अरबी दे दो आधा किलो। कैसे दे? 30 की नहीं, 30 की मत देना, 20 की देना, ठीक है? 30 की ले आइए। नहीं नहीं ये 30 रुपये पाव टमाटर है लेकिन ठीक है यार। हाँ पर पाव में तो 3-4 ही आ रहे हैं अभी मेरे पास हैं। अभी बात हाँ फोन में ज़्यादा अच्छा कलर, फोन में बहुत अच्छा कलर आ रहा है लेकिन वैसे इतने अच्छे हैं नहीं, तभी तो 30 रुपये पाव हैं। चलो भाई चले अब अपना अपना थाला लेके। चलो मैंने अरबी ली है ये अरहर की दाल में डालने के लिए। कोई ये गड्ढा भी ठीक करवा दो यार, इतने गड्ढे हो रहे हैं, आने जाने में परेशानी हो रही है। क्रॉसिंग खाली हो गई है ये। अरे जो ये वाली पटरी है ना अभी जब बीच जाएगी तब पता चलेगा। मैं कहता हूँ मैं रात के स्कूटी उधर खड़ी कर दूँ क्या? क्यों ऑटो में जाना क्यों? हेलो मिस्टर कपाल, कैसे लगा बहुत आ गया अभी मैं देख रही। अरे हम भी तो आ रहे भाई। तुम आया? चलो भैया हम पानी पीते हैं। लभी पानी दे तो यार ठंडा ठंडा। पानी की बहुत देर प्यास लग गई है इसलिए अब हम पी रहे हैं ठंडा ठंडा पानी। तुम्हें पी रही है कुसुम? दोस्तों व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि व्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए बस इतना, बाय बाय।